हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुस्लिमों के बाद अब ईसाई समुदाय के खिलाफ चीन ने चुपचाप अपना तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। चीन में रह रहे ईसाई धर्म के लोग अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह जीसस क्राइस्ट के ना तो फोटो न ही क्रॉस को अपने घरों पर अब लगा सकते हैं। इसकी जगह उन्हें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ ज़ेडुंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो लगानी होगी। चीन के चार राज्यों के सैकड़ों चर्चों के बाहर लगे धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्राइस्ट को हटा दिया गया है। चीन के इस तानाशाही फरमान का खुलासा अमरीकी रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। चीन में करीब 10 करोड़ ईसाइयों की आबादी है। शी जिनपिंग सरकार ने पहले ईसाइयों के धार्मिक स्थल चर्चों को निशाना बनाया। पिछले दिनों अनशुई, जियांगसू, हेबई और झेजियांग में ईसाइयों के चर्च के बाहर लगे धार्मिक चिन्हों को या तो तोड़ दिया गया है या फिर गिरा दिया गया है। करीब सप्ताह पूर्व रविवार को शिवान क्राइस्ट चर्च के बाहर बड़े क्रॉस को हटाने के लिए करीब 100 कर्मचारी लगाए गए थे। इस बाबत चीन का कहना है कि चीन किसी तरह की धार्मिक गतिविधियों को मंजूरी नहीं देना चाहता। इसके साथ ही शी जिनपिंग का तुगलकी फरमान है कि देश में किसी भी तरह की धार्मिक किताबों का इस्तेमाल या उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। आदेश न मानने वालों को सजा की धमकी दी गई है। चर्च के बाद अब ईसाइयों के घरों में लगे जीसस क्राइस्ट की फोटो, क्रॉस और मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि चीन में क्रिश्चियनिटी 7वीं सदी में टेंग शासन के समय से मौजूद है। चीन के दक्षिण पूर्व हिस्से में ईसाइयों को बोला गया है कि अगर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का फायदा वो उठाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ईसा मसीह उन्हें गरीबी या बीमारियों से निजात नहीं दिलाएंगे, ये काम चाइना कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। इसलिए उन्हें जीसस क्राइस्ट की जगह शी जिनपिंग की फोटो लगानी चाहिए। सो कानूनी कार्रवाई के डर से युगांग काउंटी में रहने वाले ग्रामीणों में ईसा मसीह और ईसाई धर्म से जुड़े 624 पोस्टर खुद हटा दिए और 453 जगह पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर लगा दिए गए हैं। सरकार द्वारा शी जिनपिंग के 1000 से ज्यादा पोस्टर बांटे गए थे। आपको बता दें कि चीन सरकार ने ईसाइयों पर क्रिसमस 2018 से पहले सख्त रवैया अपना लिया था। चीनी सरकार पिछले कुछ सालों से उन धार्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी जिन्हें वो शासन और स्थायित्व के लिए खतरा मानती हैं। कानून के तहत चीन में सभी धर्मस्थलों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। जिस चर्च ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसके लोगों को जेल भेज दिया गया। सितंबर 2018 में खबर आई थी कि धर्मों की निगरानी करने वाली संस्था चर्च बंद कराने के साथ ईसाइयों को धर्म छोड़ने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा रही है। उस दौरान चीन की राजधानी बीजिंग के सबसे बड़े चर्च जियोन को बिना लाइसेंस के चर्च चलाने के आरोप के बाद बंद कर दिया गया। 2015 में चीन के वांजाऊ शहर के सांताजियांग चर्च को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वांजाऊ शहर में करीब 10 लाख ईसाइयों की आबादी है। वैसे आधिकारिक तौर पर नास्तिक देश कहलाने वाले चीन में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताओइज्म को मानने वाले हैं और ईसाई धर्म को तेजी से चीन में बढ़ता हुआ धर्म माना जा रहा है। इससे पहले चीन पर शिनजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुस्लिमों को कैद करने के आरोप लगते रहे हैं। उइगर मुसलमानों के तैयार यातना शिविर हिटलर और स्टालिन के कुख्यात गुलाब के मॉडल्स पर तैयार किए गए हैं। उइगर मुसलमानों पर भी चीनी उत्पीड़न जारी है। उन्हें दोबारा शिक्षा देने के नाम पर बनाए गए यातना शिविरों में जबरन नसबंदी, हलाल मांस पर पाबंदी, पुरुषों को दाढ़ी रखने पर रोक जैसी खबरें आती रहती है। अब मुस्लिम समुदाय के बाद चीनी सरकार के निशाने पर ईसाई आ गए हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।